नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइक विद स्कूल बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर स्टॉक मार्केट बिजनेस। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे मूवमेंट कर सकते हैं, हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों, फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग देखेंगे तो 17,135 के लेवल्स में हुई थी। अगर आज की बात करें तो आज गैप डाउन ओपन हो सकता है तकरीबन 16,850 से लेकर 16,800 के रेंज में। यह दोस्तों SGX इंडिकेट कर रहा है 200 पॉइंट से ज़्यादा नीचे गैप डाउन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर गैप डाउन होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, अगर हम देखें, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, ये तकरीबन जो सपोर्ट लेवल्स है, स्ट्रॉन्गर सपोर्ट लेवल्स है, वो प्लेस्ड है 16,800 में। अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँ, ये देखिए, ये जो रेजिस्टेंस था इसका, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके मार्केट ऊपर तक गया, देन अगेन नीचे आया, देन ये जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट्स के लेवल्स में प्लेस हुआ, ये सपोर्ट ब्रेक करते थोड़ा सा फॉल आया, देन अगेन रिबाउंड किया, आई सस्टेन किया, ये जो सपोर्ट को सस्टेन किया, देन अगेन नीचे आया, देन अगेन सस्टेन किया, देन जब जब ये सपोर्ट को ब्रेक किया मार्केट यहाँ नीचे तक आया है, आया 400-500 पॉइंट नीचे आया, देन अगेन रिबाउंड किया, देन अगेन ये अभी गैप डाउन होगा तो वही लेवल्स पे ओपन होगा, ये सपोर्ट लेवल्स पे ही ओपन होगा। लेट्स, अगर ये सपोर्ट सस्टेन करता है आज के दिन तो मार्केट रिबाउंड करके एक ग्रीन टेरिटरी में क्लोज हो सकता है, या फिर जो 200 पॉइंट का गैप डाउन है वो पूरा रिकवर कर सकता है। अगर सस्टेन नहीं करता है, 16,800 के नीचे अगर ट्रेड करता है, अगर नीचे ट्रेड करेगा, देन यहाँ से और 200 से 300 पॉइंट का डाउनफॉल आ सकता है निफ्टी में। ये पर्टिकुलरली निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट है, ये निफ्टी का एनालिसिस है। अगर 16,800 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो 200 से 300 पॉइंट और नीचे फॉल आ सकता है। अगर वो सपोर्ट लेवल सस्टेन कर लेता है 16,800 के ऊपर अगर ट्रेड करता है, 15 मिनट के कैंडल अगर, 3-4 कैंडल अगर सस्टेन करते, देन आपको बाइंग बनती है, इंट्राडे में बाई कर सकते हो। टारगेट्स रहेंगे 17,135 जो क्लोजिंग थी फ्राइडे के दिन। सो ये रहा क्लियर एनालिसिस निफ्टी का। अभी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो कोई भी क्लियर ट्रेंड नहीं है बैंक निफ्टी में। अगर आप देखेंगे, दो दिन मार्केट उठता है, देन अगेन एक गैप डाउन, ठीक है, अगेन अभी एक गैप डाउन होगा, फिर रिकवर होगा, देन अगेन ऊपर। तो मतलब चार्ट में कुछ शो नहीं कर रहा बैंक निफ्टी के, ना किधर सपोर्ट लेवल से देखिए, ये कोई सपोर्ट लेवल्स भी नहीं है, जैसे टूट रहा है, देन अगेन ये ऊपर आ रहा, गैप डाउन, गैप अप हो रहा है, देन अगेन नीचे आ रहा, देन अगेन गैप अप हो रहा है। मतलब कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, साइडवेज जोन में है बेसिकली, से साइडवेज ही बोलेंगे क्योंकि कोई एक क्लियर ट्रेंड नहीं है, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप निफ्टी में ट्रेड कीजिए, बैंक निफ्टी को अवॉइड कीजिए। जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं बैंक निफ्टी में तो वही नीचे, अगर 16,800 सस्टेन करता है निफ्टी तो बैंक निफ्टी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और कोई ज़्यादा मतलब क्लियर व्यू नहीं है बैंक निफ्टी में, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँ कि बैंक निफ्टी आप ट्रेड कीजिए। निफ्टी के ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं, जैसे मैंने लेवल्स बताया, जो SL बताया, टारगेट्स बताया, उस हिसाब से आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। आप बैंक निफ्टी को स्किप कर सकते हो ये हफ्ते या फिर एक दो दिन के लिए। जो भी अपडेट होगा, जो क्लियर ट्रेंड जब मेरे को नज़र आएगा, तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा वीडियो में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में समझना है तो माय इक्विटी स्कूल की तरफ से 16 टाइप्स के बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट कोर्सेज को डिजाइन किया गया है, जो कि बिल्कुल फ्री है। वो आपको मंडे टू सैटरडे एवरी डे मिलेगा। आपको एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें व्हाट्सएप कर सकते हो और एल्स कॉल कर सकते हो नंबर पे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी टेक्निकल वीडियोस के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल माई इक्विटी स्कूल के साथ। और दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूले। थैंक यू।